मुझे लगेगा कि भैया मेरा अफेयर ज्यादा अच्छा चल रहा है तो मैं इसे डिवोर्स दे दूंगा। मैं मत कर बकरी। अरे भाई ठीक है हम जा रहे हैं लेकिन अरे राम राम भाई कैसे आप सब, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं सबको एक बात बताने वाला हूँ, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ मैं आज, तो बने रहे वीडियो में एंड तक, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं स्पिरिट्स विला में जा रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया और वहां पे मजा आने वाला है। मैं कपल के साथ मजे करूंगा, इंजॉयमेंट होगा। अब से ये वीडियो में नहीं दिखेगी, सीधा वहां की वीडियो डलेगी अब से, और सारे आपको मैं एक एक चीज दिखाऊंगा। जब उनको पता चलेगा ना ये मैरिड है, उनके बच्चा भी है, वहाँ का अलाउड नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि बच्चा है मैरिड, बस अनमैरिड लोग ही जाते हैं, कपल बनते हैं वहाँ पे। चलो हो गया। हाँ। अब मैं बात कर लूँ अपने फैमिली से। तो गाइस बात ये है कि मैंने उनको बीवी की एक हरकत बहुत गंदी लगती है, जो सुनती नहीं है आदमी की। सुनने की क्या बात है, कैसे जाओगे मुझे बताओ। मेरी तो सुन ले। इस ब्लॉग का मतलब क्या? मेरी सुनी नहीं रही है तो मेरी तो सुन ले। मैंने उनको क्लियर कर दिया कि भैया मेरी शादी हो चुकी है, एक 3 महीने का बच्चा भी है, तो वो कह रहे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्या कोई दिक्कत नहीं हो जाए, कपल बनेगा फिर क्या वो है। तो उनको मैंने कह दिया था कि मैं वहाँ पे जाके अगर लड़की पटाऊं तो कोई दिक्कत है, कोई अफेयर बनाऊं? तो कहते कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एग्रीमेंट में लिखा जाएगा, सब कुछ रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, आप कर सकते हो, सब कुछ सिलेक्शन हो चुका है। तब इसको बनाना ब्लॉग को क्यों बना रहे हो वैसे ही? अरे मेरा क्लियर है, सब एग्रीमेंट साइन कर दिया मैंने, सब कुछ। हम कैसे रहेंगे, 3 दिन हम अकेले रहेंगे क्या? अब काम में इतना सारा। भाई मैं तो जा रहा हूँ, अब तो मुझे टीवी पे देखियो, मैं तुझे नहीं जानू। मैं अगर देखो भाई, अगर मुझे लगेगा कि भैया मेरा अफेयर ज्यादा अच्छा चल रहा है तो मैं इसे डिवोर्स दे दूंगा। सीधी सी बात है भैया, मैं तो पहले क्लियर कर रहा हूँ, मैं तो पलट गया। देखो मम्मी, देखो क्या क्या बोले जा रहे हैं। भैया मैं पलट गया, मम्मी दे पहले बता। मम्मी यार मुंबई की लड़की मिलेगी, अच्छी मिलेगी, सुंदर वुंदर, मस्त पटाखा आए है। तो भैया मैं क्या बोलोगे? तो मैं उसको बता दूंगा ना, मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा अच्छा, पटाखा आएगी, उस बच्ची की मम्मी बन जाएगी। क्यों नहीं बनेगी, हम सारे मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे तो अपने घर। मेरी बात सुनो, अब इतना काम है, सब कुछ है यहाँ पर, यहाँ पे सब कुछ छोड़कर वहाँ जाओगे, 2 दिन में निकल यहाँ से बाहर आ गए तो फिर क्या करोगे? तो गाइस इसको इग्नोर मार दिया जाए, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। क्यों बना रहे हो? नहीं भैया मैं इसे अब रखना चाहता हूँ, मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं आपसे वहाँ जा रहा हूँ, मैं अपने शॉपिंग पे जाऊँगा, आपको दिखाऊंगा मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ। क्यों बना? अरे बता, 20 साल के बच्चे जाते हैं वहाँ पे, तो 7-8 साल बड़ा और बंदा चले जाएगा तो क्या दिक्कत है? मैरिड लोग जाते हैं वहाँ पे, देखा है किसी को मैरिड को जाते हुए? हर दिन के तैयार हो रहे हो वहाँ पे, ऐसी लोग ही पड़े को अभी जाना है, अभी जाना है, अभी जाना है। तो उनको प्रॉब्लम नहीं तो तुझे क्यों है? प्रॉब्लम है उनको, उनको अपने ये बताया कि भाई मत कर बकरी। मेरी बात सुनो, गुड लुक को देख रहे, ये नहीं है कि आपको पता नहीं मैरिड बच्चा है, उनको ये पता नहीं है आपका? या मैंने साइन करा है, रिसेंटली मैरिड, ये बोला है आपने वहाँ पे फोन करके? अरे मैंने उनको बोल दिया था 3 साल हो गए शादी को, 3 महीने का ही बच्चा। नहीं बोला ये, एग्रीमेंट पढ़ ले, सब बोल दिए तभी जा रहा हूँ। वरना कोई मेल आई है आपके पास? अरे कोई बुद्धू ही होगा जो ऐसी हरकतें करेगा फिर तो, मतलब इतना होने के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा? वहाँ गया आप, अब काम खराब हो गया यहाँ पे सारा, ठीक है? यहाँ से 2 दिन में आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया ना, इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, जो विनर होता है ना उसको याद रखा जाता है, कोई कंटेस्टेंट को याद नहीं रखता है। भाई मैं पता नहीं क्या लगे पड़े उसमें जाने की लगी हुई आपको। तो गाइस मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको जलन हो रही है, मैं जा रही हूँ। मेरे को जलन क्यों होगी? मैं सही बात समझाऊँ, जलन होगी कुछ भी, सड़ती है मुझे देख के, बहुत ज्यादा जलन फील कर रही है, इसको मौका नहीं मिला ना, मुझे मिल रहा है इसलिए ये जल रही है। मुझे मौका चाहिए भी नहीं। मम्मी अब से आप मुझे टीवी पे देखना, अरे बाबू अब तो अभी सो रहा है, तो मुझे अब से कल से टीवी पे देखियो, अब से जब भी शो आएगा मैं आपको दिखाऊंगा एमटीवी पे शो मिलेगा आपको। ये मेरा ये फालतू में टाइम खराब कर रहे, ये ब्लॉग बनाना कोई मत मान, जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं, जब मैं चला ही जाऊंगा तब तू रोक लियो। मम्मी जी जाने देंगे आपको? मम्मी जी तो मैंने अलाउ ले लिया, मम्मी क्या, मम्मी को मैंने बोल दिया, ऊपर से मैंने बोल दिया, इतने नहीं पूछ ले, 3 महीने का, 3 महीने का पूछ ले। मम्मी जी, मम्मी चले जाए ना, मम्मी घर में कैसे रहेंगे तीनों? नहीं देखो बोल दिया उन्होंने, चलो गई, ऊपर से मना कर रही है वो। क्लियर हो चुका है कि भैया अब उन्होंने कह दिया कि भैया मैं जा सकता हूँ, तो बात खत्म हो गई। तो गाइस मैं वहां जाके देखना चाहता हूँ कौन से कपड़े लूँ, तो मैंने कपड़े वपड़े डिसाइड करने, मैं शॉपिंग पे जाने वाला हूँ, तो अब मैं शॉपिंग पे जाऊंगा, क्या लूँ मैं ये सोच रहा था, जीन्स भी लेनी है, व्हाइट कपड़े लेने हैं, शूज लेने हैं, बैग लेना है, बहुत सारा लेना है यार, क्या क्या करूँ, मैं बहुत बिजी हो गया हूँ आजकल मैं,
क्या बताऊं। हाँ, छोटे छोटे कपड़े लड़कियां जो मिलेंगी वहाँ पे। हाँ तभी तो करोगे, कटिंग भी करानी है, शॉपिंग करनी है आपको, कटिंग भी करानी है, शेप भी करानी है। अब तो चिकना हो, मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल क्लीन करा के जाऊंगा, क्या कहती है? मेरे क्या तो नहीं करवाया क्लीन आपने? अब मैं पूरा क्लीन करा के बाल बाल सेट वेट करवा के आराम से सोच रहा हूँ बालों पे कलर भी करवा लूँ। बालों में सोच रहा हूँ कलर करवा लूँ, अब अच्छा लगेगा है नी। सफेद जो हो गए हैं? नहीं नहीं ब्राउन कलर, बाल फेस पे अच्छा लगेगा, अंग्रेज लुक आएगा फिर मेरा, फॉरनर। तो भैया मैं जा रहा हूँ, दिखते नहीं आपको सफेद बाल नहीं है। चल ठीक है, दो दिन में आपको बाहर 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से सफेद बाल हो गए, पता नहीं है लोग जाओगे दो दिन निकाल दिए जाओगे वहाँ से। भैया बिल्कुल देसी आदमी हूँ। भैया एक लोंडा मेरा क्या बीवी की बहुत बड़ी कमी सुनती ना है आपको? भैया एक लोंडा ना टिक पाएगा मेरे आगे, ऐसी थोड़ी ना बने हुए। कहाँ के? दिल्ली के हैं। जिम जाकर के आपने बोकर रखा? दिल्ली के हैं यार, आगे आप समझ लो। मैं पता नहीं जा रहा नहीं है, बता रही हूँ। हाँ। तो हमारा तो डिसाइड हो गया, तू कौन होती है? मम्मी जिम जाने देंगे। अरे सब डिसाइड हो गया अब तो। अरे भाई ठीक है, हम जा रहे हैं लेकिन। अरे जा रहे हैं ना, नहीं जाना। अरे हमें, मेरे को अपने दर्शकों को बताना है कि मैं अभी शॉपिंग करने जा रहा हूँ, इसका चलता रहेगा, तो मैं चलता हूँ शॉपिंग पे। आपको जाके देखो शॉपिंग पे, मैं क्या ले लूंगी। तो गाइस मैं जाता हूँ आज शॉपिंग पे, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मैं ले रहा हूँ। गेट पे मत खड़ी हो, मुझे जाने दे थोड़ा। मैं उल्टा कर लूंगी, क्या उल्टा कर लेगी, कर क्या सकते हो तुम? मुझे सब पता है, जलन हो रही तुम्हें मेरे से कि मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया, मैं लड़की कैसे पटा लूंगा। अब खुले में पटाऊंगा, टीवी में सब देखेंगे मुझे लड़की पटाते हुए, वहां पे तो डेट पे भी जाते हैं, पूल पार्टी होती है ना तभी। हाँ तभी, तभी भोरे और जाने के लिए। तो मन में लड्डू फूटा? हाँ, तो बस तो मेरा लड्डू। तो क्यों नहीं फूटेंगे? बच्चे की चिंता नहीं है, बीवी की चिंता नहीं है, माँ की चिंता नहीं है, बस जाना है आपको वहाँ पे। अरे तो भाई मैं फेमस हूँ, सबका फायदा होगा ना। मेरा बोल रहे, मेरा फायदा करवाओगे तो तू ही तो घर जाएगी, बच्चे के तो मजे आएंगे। दो गई यार, करना है अंधेरे बंदे को, लाइफ में कुछ करने दो। एक मतलब होता है कि आदमी की तरक्की के पीछे बीवी का हाथ होता है, ये तो मेरी तरक्की रोक के बैठी हुई है। हाँ मैंने तरक्की रोक ली, आपकी तरक्की और चीजों में बेकार में करो तरक्की, आप मैं रोक लूँ तो आपको। गरीब आदमी को लुटेर रहे हो, पीट दो अच्छे से, कूट दो, कुछ करने मत देना मुझे, जाऊंगा मैं। चलो भैया हम चलते शॉपिंग पे। वैसे मैंने एक दो पैंट तो खरीद लिए, लेकिन मुझे 10-12 पैंटें खरीदनी है, कोट पैंट भी खरीदना है, सब कुछ खरीदना है। बाहर बारिश आ रही है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो देखते हैं। बारिश बंद हो गई? बारिश बंद हो गई क्या? नहीं हुई है, अरे काफी तेज बारिश है, और मुझे अब बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है, मैं कैसे करूँगा यार। देखो बारिश देखो काफी तेज, अगर आपको दिख रहा कैमरे में तो आपसे मैं स्पीड स्कूला की वीडियो दिखाई करूंगा आपको। तो यार एक काम कर, मेरे साथ शॉपिंग पे तो चल रहे। मेरे दिमाग खराब मत करो, जाओ ऐसा मुझे बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी भाई बात? जाओ स्पीड से ना, जाओ जाओ चले जाओ। अरे तो रोकी क्यों दिखा रही है? जाना है स्पीड से, मैं तो बात मत करो। एक बात बताओ, मैं स्पीड से मैं जाऊंगा तो इन्हीं का फायदा है कि मैं टीवी पे आऊंगा, फिर सीरियल में आऊंगा, फिर मूवी पे आ सकता हूँ। उसी सीरियल में जाना, और सीरियल नहीं जाने के लिए? कोई और सीरियल मुझे साइन भी तो करे, अभी तो किसी ने साइन ही नहीं करा, तो कैसे जाऊं? वेट कर लो, उसी में जाना जरूरी है, झूठ बोल के जाओगे उसके अंदर। देख ऐसा है, कोई मेल वेल नहीं आई है। हाँ ये देखिए मैंने मेल। अरे भैया वो 10 साल पहले की थी, दोबारा वो करवाई है मैंने, पहले आया था मेरे को ऑफर 10 साल पहले, हद हो गई। उसमें तूने डेट देखी? 10 साल पहले का ऑफर था वो, जब मैं जवान हुआ करता था, लोंडा हुआ करता था। अभी तो नहीं है। अब मैं बर्बाद आदमी हूँ, कैसे कर लेगा कोई? जिसकी शादी हो रही थी बर्बाद होते हैं। ठीक है। अब रोना आ गया, अब रोना नहीं आ रहा। तो गाइस मैं स्पीड से ला में जा रहा हूँ, इसको मैं झूठ बोल रहा था, तो ये क्लियर है। मतलब मेरी तरक्की देख के खुश ना हो तुम लोग, मैं समझ चुका हूँ। हमारे लिए तो है ना, हम लड़कों के लिए तो होता है ना। तो गाइस ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और हाँ
सबसे बड़ी बात, इम्पोर्टेंट बात ये है, ये लड़की पागल वागल हो गई है, साइको हो गई, साइको। हाँ, हो गई। इसके हाथ में, इसके हाथ में पट्टी बांध दी है इसने, इसने हाथ की नस काट ली थी, क्योंकि मैं नहीं जानी दूंगी, मैं नस काट ली मैंने। चलो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, बेल आइकन दबाना, नोटिफिकेशन भी आएगा जिससे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, फेसबुक को फॉलो कर लो, अपना ध्यान भी रखो, अपने माता पिता का भी ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, बीवी का सब रखते रहते हैं, बीवी का नहीं, बीवी तो हमारा रख ले, बीवी का ध्यान रखो। हाँ, बीवी का ध्यान रखो बस, और बीवी आदमी को कुत्ता बना दे। जय राम जी की।